लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही है, 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही है, अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है, विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है, कार्यकर्ता का बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, उपचुनाव की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुछ न कुछ देकर और स्वागत करने की कृपा करें। मतलब ये कोई ना सुना, जनता पार्टी के पक्ष में था। 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है, और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से पहले है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को उप मुख्यमंत्री बाद में और बीजेपी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मार का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी भी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन भी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं।